लाइव है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों की मुलाकात हुई थी, बौद्ध धर्म पे हम लोगों की चर्चाएं चल रही हैं, बुद्ध के जीवन परिचय से हम लोग परिचित हुए और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध को एक कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? बोध गया। किस नदी के तट पर हुई? निरंजना नदी। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष। बुद्ध का गृह त्याग किस वर्ष की अवस्था में हुआ था और बुद्ध का महापरिनिर्वाण के समय उनकी आयु क्या थी? इतनी चीजों से, बेसिक चीजों से तो आप परिचित हैं। बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक सप्ताह तक बुद्ध बिल्कुल अपने अंतर मन की उठने वाली भावनाओं को लेकर मस्त रहे। वो कहीं जाना ना नहीं चाहते थे। उस ज्ञान का प्रचार करना है और भी लोगों के हित के लिए उसका, उस ज्ञान को बांटना है, ऐसा कोई प्रारंभिक उद्देश्य उनका नहीं रहा। और एक सप्ताह तक बौद्ध साहित्य में जगह जगह अंतराल, कुछ जगह पे भेद है, क्योंकि पाली साहित्य जो है वह कहता है कि एक सप्ताह एक स्थान पर स्थिर रहे और परवर्ती बौद्ध साहित्य कहता है कि वो 4 सप्ताह वहां रहे। परंतु पाली साहित्य के आधार पर माना जाता है कि एक सप्ताह वो वहां स्थिर रहे। बाद में आदिदेव की कल्पना की गई, सीधे सीधे ब्रह्मा की कल्पना की गई है कि वो आए और बुद्ध से उन्होंने याचना की कि जिस ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई है उस ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग और लोगों के दुखों से उनकी मुक्ति कैसे हो, इसके लिए उन्होंने बुद्ध से याचना की कि उसके लिए वो धर्मोपदेश करें। फिर उनकी बात से भगवान बुद्ध सहमत हुए और उन्होंने धर्मोपदेश करने का निर्णय लिया, फैसला किया। तो ज्ञान की प्राप्ति उनको कहां होती है? बोध गया में हुआ। ठीक यहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान बौद्ध धर्म के आधार पर यदि हम देखें तो इसको कहा जाएगा कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण की प्राप्ति जरूरी नहीं कि मरने के बाद होती थी, ऐसा नहीं था। निर्वाण जीवन में रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता था। और निर्वाण के दो अर्थ माने गए। एक तो हमारी सनातनी परंपरा मानती है, उसको मोक्ष कहती है। क्या कहती है? मोक्ष। और वहीं बौद्ध मानते हैं इसको कि दुखों से मुक्ति इसको उन्होंने माना। ये बौद्धिज्म जो है, बौद्धिज्म की जो अवधारणा रही, जो उसका कॉन्सेप्ट रहा है, उसमें दुखों से मुक्ति को क्या माना? निर्वाण। और वहीं जो सनातनी परंपरा है उसको क्या मानती है? मोक्ष मानती है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ ही होता है दीपक का क्या हो जाना,
बुझ जाना, ठीक। ये निर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात आवागमन के बंधन से जब मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अब बुद्ध का अगला जन्म नहीं होना था, अब वो बुद्ध हो चुके थे, क्योंकि इसके पूर्व तक जितने भी जन्म उनके हुए उनके जन्मों का एक संग्रह ग्रंथ भी मिलता है, जानते हैं ना, कोई बताएगा, जातक कथाएं, जातक ग्रंथ मिलते हैं, और उनमें क्या है कि 500 कितनी कथाएं हैं, 549 बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा कहानियों का संग्रह है, और उन जन्मों में बुद्ध ने एक एक पारमिता की या एक एक सील की सिद्धि प्राप्त की, और तब तक वो बोधिसत्व कहे गए। क्या कहे जाते हैं वहां तक, वो बोधिसत्व, वो बुद्ध नहीं कहलाते हैं, वहां तक वो बुद्ध नहीं है। वैशाख पूर्णिमा के दिन के पूर्व तक, अर्थात जब बुद्ध को सुजाता ने खीर खिलाया था, तब तक वो बुद्ध कहीं नहीं कहे जाते हैं, वो बोधिसत्व कहे जाते हैं, वो बोधिसत्व या सिद्धार्थ के नाम से ही नामित किए जाते हैं। लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो बुद्ध कहे गए। तो बुद्ध के कई नाम भी हैं, नामों से परिचित नहीं है, शाक्य मुनि, शाक्य शेर, तथागत, बोधिसत्व, बुद्ध, और उनके पूर्वज गौतम। गौतम वो क्यों कहे गए, गौतम वो क्यों कहे गए, वो शाक्य कुल में पैदा हुए थे, गौतम कुल में नहीं पैदा हुए थे, उनका कुल शाक्य था, गौतम उनका गोत्र था, क्या था, गोत्र था। और बुद्ध पर चाहे जो कमीशन हो, प्रश्न जरूर बनाता है, क्योंकि ये युगांतकारी क्रांतिकारी घटना थी, यह वह दौर था, या ये वो शख्सियत थे जिनके पीछे जनसैलाब घूम रहा था, इनकी विचारधारा से, इनकी आइडियोलॉजी से लगभग लोगों की आइडियोलॉजी मैच कर गई थी। इन्होंने एक ऐसे समय में जनता की नब्ज को टटोला था कि जो जनता को चाहिए था वही वो उसको परोस रहे थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब पूरे समाज में कर्मकांड, पाखंडवाद, बलि प्रथा, इस तरीके की नाना प्रकार की बुराइयां समाज में पूरी तरीके से समाज को जब जकड़ लेती है, तो उसी समय इस महापुरुष का आविर्भाव होता है, और उन्होंने अपनी फिलॉसफी में, अपने दर्शन में उन्हीं चीजों को, उन्हीं सारे ताने बाने को तोड़ दिया जो कर्मकांड से जुड़े हुए थे, अर्थात जो उत्तर वैदिक कालीन ताना बाना बुना हुआ था उसी मकर जाल को इन्होंने तोड़ा था। तो यहां अब उसकी हम फिलॉसफी पे नहीं जाएंगे, कभी हम फिलॉसफी यदि पढ़ाएंगे, बौद्ध दर्शन पढ़ाएंगे स्पेशली, तो उस पर इन सारी निर्माण, मोक्ष और दुखों से मुक्ति की चीजों पर चर्चा हो सकती है। बहरहाल मोक्ष बोध गया से उन्होंने अपनी उपदेश यात्रा शुरू की। वो अपना वह ज्ञान देना चाहते थे जिसकी उन्होंने प्राप्ति की थी। वह ज्ञान क्या था उनका, चातुर आर्य सत्यान, चार आर्य सत्य, जो चार आर्य सत्य थे उसी को उन्होंने जाना था। तो बोध गया से जब उनको मना लिया गया कि नहीं, आपको उस चार आर्य सत्य के रूप में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान से आपको लोगों के कल्याण के लिए उस पर उपदेश करना है, इस बात को ध्यान में जब उनको दिलाया गया, और जब उनको यह भी स्पष्ट करा दिया गया कि आपका अवतरण ही इसीलिए हुआ है कि जो उस समय के लोगों के दुख थे,
जो उनकी पीड़ा थी उसको दूर करना है, और उसके लिए एक कुशल पात्र बुद्ध ही नामित या निर्मित किए गए थे प्रकृति या नियति के द्वारा। ऐसी स्थिति में जब बुद्ध तैयार हुए उस चार आर्य सत्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो वो वहां से कहां चले, वो वहां से चलते हैं, एक विचार उन्होंने किया कि यह चार आर्य सत्य का ज्ञान किस योग्य व्यक्ति को दिया जाए, सबसे पहले किस योग्य व्यक्ति को दिया जाए। तो इसी में उन्होंने अपने पूर्व के दो गुरुओं आलार कालाम और उद्रक रामपुत्र को देने का विचार बनाया। लेकिन जब उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि वो दोनों अब नहीं है, एक नहीं है और दूसरे के पास पहुंचते पहुंचते वो भी नहीं रह जाएंगे। दोनों बातें जब उनके उन्हें ज्ञात हो गई तो उन्हें याद आई अपने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं की, जो उनको कहां छोड़कर चले गए थे, उरुवेला में या उरुवेला के समीप उनको छोड़कर वो कहां चले गए थे, सारनाथ। वो पांचों कहां चले गए थे, सारनाथ। तो उनको जब ध्यान में आया तो सारनाथ उन्हीं को वो पहला उपदेश देने के लिए चले, उनकी यात्रा सारनाथ की हुई, सारनाथ। लेकिन इसके पहले इस मार्ग में ही बोधगया से सारनाथ पहुंचने के पहले ही उनको दो बंजारे मिले, जो व्यापारिक बंजारे मिले, तपस्सु और भल्लिक नाम के दो बंजारे मिले, जिन्होंने बुद्ध की विश्राम समय में उनको मोदक खिलाए थे। मोदक का अर्थ क्या होता है, लड्डू होता है ना। तो उन्होंने बुद्ध को मोदक खिला के उनको छाछ पिलाई थी, ऐसा महावग्ग कहता है। तो उससे प्रसन्न होकर बुद्ध ने उसी चार आर्य सत्य का उपदेश इनको दिया, परंतु इनकी समझ में वो चार आर्य सत्य नहीं आया, इसलिए उस चार आर्य सत्य का कोई मतलब नहीं निकला। फिर वो सारनाथ आए और सारनाथ में ही उन्होंने अपने उन पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं को पहली बार अपनी धर्म देशना का लाभ दिया, यानी प्रथम उपदेश उन्होंने इन्हीं को दिया। और यह प्रथम उपदेश बौद्ध साहित्य में क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। अर्थात बुद्ध ने अपने धर्म का चक्का इस तरह से चला दिया, इस तरह से घुमाया उन्होंने, चूंकि रिच डेविड्स महोदय अपने ग्रंथ में लिखती हैं इस बात को, उन्होंने कोट किया है कि वह चक्का जिसको उन्होंने चला दिया था फिर वह रुका नहीं, फिर वह एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा को लांघना शुरू कर दिया, और उसने एक बड़े भौगोलिक दायरे को अपने में समेट लिया था। जानते हैं ना कि आज के समय में भी दुनिया की सर्वाधिक पॉपुलेशन किस धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध ही हैं, बौद्धिज्म को ही मानने वाले। दुनिया में सर्वाधिक पॉपुलेशन जिस धर्म को मानती वो धर्म बौद्धिज्म ही है। तो फिर यह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से यह पहला उपदेश उनका जाना गया। सारनाथ को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं ना, मृगदाव और ऋषिपत्तन। ये दो नाम से भी सारनाथ जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास व्यतीत किया, पहला वर्षावास उन्होंने सारनाथ में ही व्यतीत किया, मूल गंधकुटी बिहार में ही उन्होंने पहला वर्षावास व्यतीत किया। और बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास कहां किया था, हुँ?
वैशाली के बेणु ग्राम बिहार में, वैशाली के बेणु ग्राम बिहार में बुद्ध का अंतिम वर्षावास व्यतीत हुआ था, और वहीं से वो उठे थे। तो फिर वो पावा के लिए निकल गए, और पावा में ही उनको एक लुहार मिला, चुंद नाम का लुहार। उसने उनको बुद्ध को आमंत्रण दिया, बुद्ध वहां गए, और उसने बुद्ध को सुकर मद्दव परोसा था, खिलाया था, और उसको खाने के बाद बुद्ध के उदर में अतिसार रोग हो गया था, और उसके बाद में एक असहनीय पीड़ा को झेलते हुए बुद्ध फिर पावा से कुशीनगर की ओर, कुशीनारा की ओर निकल गए, और वहीं हिरण्यवती नदी को जैसे ही पार किया, साल के वनों में वो पहुंचे, और वहीं वो 2 साल के वृक्षों के बीच में लेट गए, और उस लेटी ही अवस्था में उन्होंने अंतिम बौद्ध भिक्षु के रूप में सुभद्र को दीक्षा दी। अंतिम बौद्ध भिक्षु के रूप में उन्होंने सुभद्र को दीक्षा दी थी। बहरहाल वो सबसे वयोवृद्ध दीक्षित होने वाला भिक्षु माना भी जाता है। तो यहां से वो सारनाथ है, सारनाथ में उन्होंने बहुत ऐसी तमाम घटनाएं उनके बुद्ध से रिलेटेड घटी हैं। फिर सारनाथ से वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाए और वो वाराणसी आए। वाराणसी में उन्होंने एक यश नाम का एक श्रेष्ठी था, उसको उन्होंने दीक्षित किया, और यश के साथ ही उसके 60 अन्य सगे संबंधी और उसके रिश्तेदार भी धर्म की दीक्षा लिए। उसके साथ ही एक बड़ा बड़ा पैनल बनना शुरू हुआ बौद्धों का, और यहीं पर बुद्ध ने वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना कहां की गई? तो वो वाराणसी में ही की गई है। तो बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर यहां से बुद्ध अपनी आगे की यात्रा करते हैं। वाराणसी कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वाराणसी के बाद बुद्ध उरुवेला आए। कहां आते हैं? उरुवेला आए, वापस जा रहे हैं। फिर से जिधर से आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर वापस ही निकले। देखिए ऑनलाइन विद्यार्थी भी हमारे उत्तर दे रहे हैं बराबर। माया देवी बता रही कि 4 नेबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्यों के विषय में वो भी बता रही है। तो उरुवेला आए, उरुवेला में उन्हें अपने संघ को बढ़ाना था। तो यहां 3 कश्यप भाइयों का झुंड था। 3 कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण, और सबके 300 शिष्य थे। उन 3 में कौन कौन से थे? मुख्य कश्यप, और गया कश्यप, और नदी कश्यप। इनको धर्म में बुद्ध ने दीक्षित किया। बुद्ध ने यहां एक, अब बुद्ध के पास उनके भिक्षुओं का एक बड़ा समूह हो रहा था, और बुद्ध ने यहीं से सर्वत्र विचरण की बात कही। फिर इसके बाद में उरुवेला से बुद्ध राजगृह गए। यहां से कहां जाते हैं? राजगृह। चूंकि उन्होंने अपने तपस्या के जीवन काल में मगध के शासक बिंबिसार से को एक वचन भी दे रखा था, उन्होंने बिंबिसार को एक वचन भी दे रखा था, और बिंबिसार ने उनसे यह तय करा लिया था कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उस ज्ञान का
ज्ञान का जल हमें भी मिले, ज्ञान के राशि से वह स्वतः सिंचित होना चाहता था। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए बुद्ध उर्वेला से राजगृह आए और राजगृह में उन्होंने बिंबिसार, महाकोशला देवी, महाकोशला देवी, अजात शत्रु और अभय को दीक्षित किया। इन लोगों को उन्होंने धर्म की दीक्षा दी और इन्हें बौद्ध उपासक बनाया। बिंबिसार ने यहीं पर बुद्ध को बेड़ुवन विहार एक बुद्ध को दान किया। बुद्ध को मिलने वाला, किसी भी व्यक्ति या शासक के द्वारा मिलने वाला यह पहला दान था, यही बेड़ुवन विहार। बुद्ध को मिलने वाला, धम्म को मिलने वाला या संघ को मिलने वाला पहला कोई दान था, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी शासक द्वारा दिए जाने वाला दान यही था जो बिंबिसार ने बुद्ध को भेंट किया था। यही राजगृह में ही बुद्ध को दो अन्य विद्वान ब्राह्मणों से भी उनकी मुलाकात हुई, महामोदगल्यायन और सारिपुत्र। इन दो ब्राह्मणों को भी बुद्ध ने यही राजगृह में ही धम्म में दीक्षित किया था। आगे चलकर ये बौद्ध धर्म के बड़े स्तंभ हुए। और सांची के दो अन्य बड़े स्तूपों में, सांची के जो स्तूप बनाए गए, स्तूप जानते हैं ना क्या है, स्तूप बिहार चैत्य, इनको जानते हैं ना, हाँ, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड वास्तुशिल्प है, वास्तु स्थापत्य है। तो वहां मोदगल्यायन और सारिपुत्र के दो स्तूप सांची में मिलते हैं, वहां उनके उनके शरीरावशेष हैं, स्तूपों में इन्हीं के शरीरावशेष वहां हैं। तो इन दोनों ही विद्वान ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा बुद्ध से यही राजगृह में ली थी। राजगृह के बाद बुद्ध एक बार पुनः वापस एक ऐसे स्थल की ओर गए जहां से वो निकल चुके थे, वह थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु क्यों महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में? कपिलवस्तु राज परिवार से ही न थे वो? तो राजगृह के बाद में बुद्ध कपिलवस्तु के लिए वापस हुए। और कपिलवस्तु जब बुद्ध पहुंचे तो उस समय चूंकि बुद्ध महामाया की इकलौती संतान थे, और जब ये चले गए या इनके जन्म के सातवें दिन के पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो महामाया की एक बहन थी प्रजापति गौतमी प्रजापति, उसी से सुदोधन ने पुनः विवाह किया। और उस प्रजापति गौतमी ने ही बुद्ध का लालन पालन भी किया था, परंतु गौतमी प्रजापति से भी एक संतान थी, कौन? नंदी। एक संतान प्रजापति गौतमी से भी थी। जब बुद्ध राजगृह से कपिलवस्तु आए तो वह दिन था जब सुदोधन के द्वारा नंदी के राज्याभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था, नंदी को राजा बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। और जब एक रंगमंच सजाया गया था, कपिलवस्तु पूरी तरीके से सजाया गया था और पूरी जनता वहां इकट्ठी थी, लेकिन जब उनको पता चला कि भगवान बुद्ध का आगमन कपिलवस्तु की ओर हो रहा है, तो पाली साहित्य में जो वर्णन मिलता है उसमें मिलता है कि मूठ के मूठ लोग वहां से निकलना शुरू कर गए
और उन्हों वो कपिल वस्त्र पूरी तरीके से उजाड़खंड हो गया। मूठ के मूठ का अर्थ होता है झुंड के झुंड। लोग वहां से जब उनको पता चला तो उन्होंने कपिल वस्त्र राजधानी को छोड़कर वो बुद्ध के आने की राह की ओर दौड़े, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुद्ध का तेज पूरी तरीके से सबको चमत्कृत कर रहा था, और बुद्ध को बड़े ही सम्मान के साथ राजमहल में लाया गया। और राजमहल में लाने के बाद में जब उनके प्रभाव के चलते यह नंदी जो राजा बनने वाला था, वह बुद्ध की शरण में जाकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, और अब क्या होना था? अब तो शाक्य गण का कोई भी वारिस शेष नहीं था, शाक्य उजड़ गया। बुद्ध ने नंदी को दीक्षा दे दी धर्म में, और जब नंदी ने दीक्षा ली तो यहीं पर यशोधरा, राहुल, प्रजापति गौतमी सभी बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गए और सत्संग में जाने के लिए तत्पर हो गए। कोई नहीं चाहता था कि अब वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करे, सभी सन्यासी हो जाना चाहते, सभी बौद्ध भिक्षु हो जाना चाहते थे, परंतु बुद्ध ने यशोधरा और प्रजापति गौतमी के निवेदन को ठुकरा दिया। वो तत्पर नहीं हुए, चूंकि वो संघ में किसी भी अवदशा में वो संघ में स्त्रियों के प्रवेश को के पक्ष में नहीं थे। संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए वो पुरजोर विरोध करते रहे। फिर यहां यही कपिलवस्तु में ही एक स्थल पर उन्होंने कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों को भी धर्म की दीक्षा दी, और यहां से जब वो कपिलवस्तु से वो वैशाली की ओर निकले, यहां से वो कहां निकलते हैं? वैशाली। वो जैसे ही वैशाली जाने ही वाले थे कि बीच रास्ते में ही आकर महाराजा सुद्धोधन और बुद्ध के बीच वार्तालाप प्रारंभ हुआ। बुद्ध ने उन्हें भगवन और बुद्ध को सुद्धोधन ने भगवन और सुद्धोधन ने बुद्ध के लिए राजन शब्द का प्रयोग किया, अर्थात वहां संबंधों का कोई मतलब नहीं रहा, पिता पुत्र के संबंध वहां नहीं थे। ऐसी स्थिति में बुद्ध के ऊपर कई व्यंगात्मक प्रहार सुद्धोधन ने किए। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को उन्होंने एक पिता के चर्म में छिद्र की बात कही, छिद्र की पीड़ा कही, और वहीं दूसरे पुत्र नंदी के वियोग से उन्होंने उस वृद्ध पिता के अस्थियों में छिद्र की बात कही कि उस पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूं। उस पीड़ा की बात उन्होंने कही कि जब उनका पहला पुत्र गृह त्याग करके गया था तो वह मानो वह उनको इतनी पीड़ा दे गया था कि जैसे उनके चर्म में छेद हो गया हो, उनके चमड़े में छेद हो गया हो। और वहीं जब दूसरा पुत्र उनको जो उनकी अंतिम आस था वह भी छोड़कर चला गया, वैराग्य के लिए निकल गया, तो उस घटना को, उस पीड़ा को उन्होंने अस्थियों में छिद्र के रूप में सहने की बात कह के व्यक्त की। और इस कहा जाता है कि इस वार्तालाप में बुद्ध बिल्कुल मौन रहे, उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया, किसी भी प्रकार का उत्तर सुद्धोधन का उन्होंने नहीं दिया। परंतु यहां पर बुद्ध ने एक बात जरूर की कि उन्होंने संघ के नियमों में, बौद्ध भिक्षु संघ के नियमों में एक परिवर्तन जरूर किया, और वह परिवर्तन था कि अब संघ में वही व्यक्ति दीक्षित हो सकता था जिसकी आयु कम से कम 16 वर्ष हो और उसके गृह त्याग के लिए माता पिता की अनुमति भी जरूरी हो, वही व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता था, वही बौद्ध भिक्षु हो सकता था। तो यहां पर इतिहासकारों का एक वर्ग बुद्ध पर टिप्पणी भी करता है, बुद्ध को थोड़ा सा यह भी बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था, कई प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या बुद्ध में संबंधों की जीवितता थी, संबंध उनके जीवित थे, अर्थात क्या उनको ऐसा तो नहीं था कि पूर्ण निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई थी।
चूंकि संबंधों की बात उनके ऊपर आ रही थी, तो यह एक प्रश्न यहां पर बुद्ध पर खड़ा होता है कि बुद्ध को शायद पूर्ण निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई थी, और यदि पूर्ण निर्वाण की प्राप्ति होती तो लोगों के कहने सुनने का कोई असर उनके ऊपर नहीं होना चाहिए था। जैसे डाकू अंगुली माल के तमाम तरीके के अश्लील बातों के कह देने के बाद भी बुद्ध के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ था, तो सुद्धोधन के भी कहने का दिक्कतें हो चुकी थी, उनके पैरों में सूजन आ गई थी, स्वेलिंग आ गई थी, पैरों से उनके पस जैसी कोई सीरम गिर रहा था, अर्थात एक जो स्वर्ण और चांदी की पालकी से नीचे उतरकर बहुत नहीं चला होता था, और वह पैदल यात्रा करते हुए कंटका किरण पथों का अनुसरण करते हुए वह वैशाली तक की यात्रा करता है, तो वहाँ उनकी उन दोनों के ही के पद जो थे बिल्कुल विदीर्ण हो चुके थे, और यहीं पर आनंद ने बुद्ध के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, और वैशाली में ही महाप्रजापति गौतमी को अंततः थक हार के बुद्ध को सहमति देनी पड़ी, और यहीं उनको बौद्ध भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया गया। बौद्ध भिक्षु संघ में सम्मिलित किया गया, और यहीं वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। यहीं पर उसकी स्थापना भी की गई थी। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि बहुत डीप के प्रश्न हैं ये उठते हैं। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें थी कि एक तो यहीं पर महाप्रजापति गौतमी को भिक्षु संघ में सम्मिलित किया गया, और यहीं पर भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई, और यहीं पर बुद्ध ने एक बौद्ध संघ को लेकर भविष्यवाणी भी की, और वह भविष्यवाणी थी कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक चलने वाला था, अब वह 500 वर्षों के आगे नहीं जाएगा। उन्होंने एक चूंकि स्त्रियों का संघ में प्रवेश, वो मानते थे कि स्त्रियों के संघ में प्रवेश कर जाने से संघ पूरी तरीके से पथभ्रष्ट होगा। जैसे वैदिक सनातनी परंपरा में जो देवदासी प्रथा थी उसके वो दुर्गुण इस संघ में भी अब चले आएंगे, और बौद्ध धर्म के पतन का कहीं ना कहीं से एक कारण यह था भी। बौद्ध धर्म का जब हम पतन देखते हैं, डिक्लाइन, आप जब बौद्धिज्म को देखते हैं, तो उसमें एक बड़ा कारण यह बनता है कि संघ में स्त्रियों का प्रवेश कर जाना भी बौद्ध धर्म के पतन का एक बड़ा कारण था। फिर यहीं पर वैशाली को हम जानते हैं कि ये क्या थी, लिच्छवियों की राजधानी थी, और यहीं पर लिच्छवियों ने एक कुट्टागार शाला नाम के विहार को बुद्ध को दान किया था। कुट्टागार शाला भिक्षु विहार उन्होंने इनको दान भी किया था। तो वैशाली के बाद बुद्ध यहां से आगे बढ़े, और बुद्ध आए श्रावस्ते। उनकी बुद्ध उपदेश यात्रा का विवरण है। श्रावस्ती में उस समय ये श्रावस्ती क्या थी, श्रावस्ती कहां की राजधानी थी, श्रावस्ती को थोड़ा सा माइंड्स मैपिंग करिए, देखिए वो कहां है, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और उस समय कौशल का शासक कौन था, प्रसेनजीत। कौन था, प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत और बुद्ध दोनों ही समकालीन एक उम्र के थे, दोनों की उम्र भी समान ही थी, क्योंकि जब बुद्ध की मृत्यु होती है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तो उस समय बुद्ध की आयु कितनी वर्ष थी, 80 वर्ष, और उसी वर्ष उतनी ही आयु किसकी थी, प्रसेनजीत की भी थी। यहीं पर श्रावस्ती में ही बुद्ध ने प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और श्रावस्ती में ही श्रावस्ती का एक धनाढ्य श्रेष्ठी भी था,
श्रावस्ती में एक बड़ा धन कुबेर भी था, आज के दौर में अंबानी से कम नहीं, अंबानी फैमिली से कम नहीं था वो अनाथ पिंडक। उसने जेतवन बिहार को क्रय किया, जेत नामक राजकुमार से उसने उस खूबसूरत एक बिहार को, वन को, बगीचे को का क्रय किया, और क्रय करने के बाद में उसने उसको बौद्ध बुद्ध को और संघ को उसने दान कर दिया था। उस जेत वन का क्रय जो किया गया, उसकी धनराशि क्या थी, उसकी उसका शुल्क क्या था, क्योंकि राजकुमार जेत की एक शर्त थी कि स्वर्ण मुद्राओं से उसकी संपूर्ण भूमि को भूमि पर बिछा दिया जाए, तिल भर की जगह कहीं भी खाली नहीं होनी चाहिए, उतनी स्वर्ण मुद्राओं से, उतने करसापणों से, स्वर्ण करसापणों से उस जमीन को ढक दिया गया था, और तब जाकर उसका क्रय किया गया। और क्रय करने के बाद में अनाथ पिंडक ने बुद्ध को श्रावस्ती जेतवन बिहार का दान कर दिया था। यह श्रावस्ती था, श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किए, 21 वर्षावास बुद्ध के श्रावस्ती में व्यतीत हुए। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया, बौद्ध धर्म के सर्वाधिक उपासक भी श्रावस्ती के ही थे। श्रावस्ती बौद्धों का, बौद्धों की एक बड़ी मंडी थी, एक बड़ा मठ था। श्रावस्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बौद्ध धर्म के में रहा है। और फिर श्रावस्ती से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, और श्रावस्ती से चलकर वो चुनार आए। कहाँ आए? चुनार। तब चुनार को सुमसुमार गिरी के नाम से जाना गया है बौद्ध साहित्य में। उस समय उसको ये चुनार, जो मिर्जापुर जनपद का ही पूर्वी हिस्सा है, चुनार बुद्ध आए। चूंकि यहां यहां पर प्रसेन कौशाम्बी नरेश उदयन का पुत्र बोध निवास करता था, यहां उदयन का पुत्र बोध निवास करता था, और यहां आकर बुद्ध ने बोधि को संघ में दीक्षित किया और अपने धर्म के प्रचार का उसको आदेश दिया। और वह एक एक सक्रिय बौद्ध भिक्षु के रूप में, बौद्ध प्रचारक के रूप में उसने उस युग में 600 बीसी के काल में अपनी भूमिका निभाई। चूंकि यह वह था, यह रिलेटेड था अवंती से भी, अवंती से भी यह इसका संबंध जुड़ा हुआ था। अवंती उदयन का क्या संबंध था, उदयन और अवंती का संबंध क्या था, शायद हमने जरूर से बताया होगा। वत्स का शासक उदयन और अवंती का शासक प्रद्योत। चूंकि चंड प्रद्योत की पुत्री वास्वदत्ता का विवाह उदयन से हुआ था एक प्रेम प्रसंग के चलते, तो ये यहां से भी जुड़ा हुआ था। तो वहां से बुद्ध की यात्रा श्रावस्ती से चुनार हुई, और फिर चुनार के बाद बुद्ध कौशाम्बी आए, यहां से कौशाम्बी। कौशाम्बी में भी, कौशाम्बी में उस समय वत्सराज, वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की कौशाम्बी ही थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी ही थी, वत्स की ही राजधानी थी ये। तो वत्स यहां कौशाम्बी आए, और यहां पर उन्होंने उदयन को भी धर्म में दीक्षित किया, और फिर उसके बाद में कौशाम्बी में ही उदयन, उदयन की, चूंकि प्रारंभ में उदयन बौद्ध धर्म को लेकर बहुत उदार भाव नहीं रखता था, वह बुद्ध के प्रति बहुत अनुरक्त भाव नहीं रखता था, लेकिन बाद में जब वह बुद्ध के टाइम में वह धर्म में दीक्षित नहीं हुआ, तो बुद्ध ने अपने एक परम शिष्य पिंडोला को, पिंडोला को उदयन के दीक्षा के लिए लगाया था, और पिंडोला ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, बुद्ध ने नहीं किया था, बुद्ध ने उदयन को दीक्षित नहीं किया था, उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी।
तो उदयन यहां कौशाम्बी और कौशाम्बी के बाद में बुद्ध मथुरा गए, यहां से वो उन्होंने अपनी यात्रा मथुरा में की। मथुरा चूंकि उस टाइम में बौद्ध साहित्य मथुरा का उल्लेख वो बेरेंजा के नाम से करते हैं, बेरेंजा के नाम से मथुरा का उल्लेख करते हैं, चूंकि मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और उस एरिया में बुद्ध ने एक एक संघ को सक्रिय किया था और पश्चिम की उस क्षेत्र में भी बौद्धों का विशेष प्रसार यही मथुरा केंद्र से किया गया था। क्योंकि आगे चलकर जब हम मूर्तिकला के क्षेत्र में देखते हैं तो मथुरा से भी हमको बौद्ध मूर्तियों का एक भंडारण मिलना प्रारंभ होता है। जो कलाएं हमारे यहाँ मिलती हैं, जो मूर्तिकला के क्षेत्र में हम जाते हैं, तो गांधार के साथ साथ मथुरा का भी अपना एक विशेष महत्व बनता है। फिर यहाँ से मथुरा से बुद्ध पावा आए और पावा की घटना को हमने बताया ही कि पावा में उन्हें एक चंद नाम के स्वर्णकार या लुहार का आमंत्रण मिला, उसके वो ठहरे और वहाँ उन्होंने उनको सुकरमद्दव का निमंत्रण कराया और सुकरमद्दव के भोजन के बाद बुद्ध के पेट में रक्तातिसार नामक रोग हो गया और उस रोग से एक बड़ी पीड़ा बुद्ध ने झेली और फिर वो यहाँ से पावा से उसी पीड़ा को झेलते हुए वो कुशीनारा की ओर निकल गए। कुशीनारा जिसको हम कुशीनगर आज कह सकते हैं, वहां निकल गए और कुशीनारा के आगे बढ़कर उन्होंने हिरण्यवती नदी को पार किया और साल के वृक्षों में, साल के जंगल में वो पहुंचे और दो साल वृक्षों के बीच में अंततः जब उनकी उनकी उदर पीड़ा असहनीय हो गई तो वो वहां लेट गए और लेट गए दो साल वृक्षों के बीच में ही। वहीं पर उन्होंने, चूंकि आनंद से बुद्ध के जितने भी वार्तालाप हुए, जो भी वार्तालाप हुए वो पावा और कुशीनारा के बीच में हुए, चुंद लोहार के विषय में जो कुछ भी बातें, चूंकि जब बुद्ध की तबीयत बिगड़ी सुकरमद्दव को लेकर तो बुद्ध के अनुयायियों ने एक बार उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का विचार बनाया था कि उसने ऐसा क्या खिला दिया शास्ता को, तो वहां पर बुद्ध ने लोगों को समझाया और वह भी आत्म दुखी हो गया था। वह चुंद नाम का लोहार भी काफी दुखी था कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि भगवान की मृत्यु का मैं कारण बन रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध ने उसको भी सांत्वना दी और कहा कि तुम भी उसी यश के भागी हो जिस यश का की भागी सुजाता जिस तरीके से मेरे जीवन में जानी जाएगी और जो यश उसको मिला है वही यश तुम्हें भी मिलेगा क्योंकि तुमने मुझे अंतिम निवाला खिलाया है। उन्होंने यह कह के उसको स्वीकार किया तो वहां पर बुद्ध ने अंतिम समय में दो साल वृक्षों के बीच में लेट गए और लेटने के बाद में उन्होंने सुभद्र नाम के व्यक्ति को बौद्ध धर्म की अंतिम दीक्षा दी और उसके बाद में सुभद्र बुद्ध के द्वारा अंतिम बौद्ध दीक्षित व्यक्ति था और सबसे वयोवृद्ध दीक्षित व्यक्ति भी वही था। और उसके बाद में अपाधम्मा का एक वाचन करते हुए बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा था, वैशाख पूर्णिमा, और 483 बीसी का टाइम था। 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये उनकी उपदेश यात्रा विवरण उनका रहा है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। अब महापरिनिर्वाण के बाद में यही कुशीनारा में एक तालाब था, रामा संभार। वहीं पर चूंकि बुद्ध का जन्म सनातन धर्म में हुआ था, हिंदू धर्म परंपरा में हुआ था, इसलिए बुद्ध का दाह कर्म होना था। बुद्ध के शरीरावशेषों का, उनके शरीर का दाह कर्म होना था और उस दाह कर्म के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए और एक बड़ी जनसैलाब के बीच में उसी रामासंभार सरोवर के तट पर
बुद्ध को चिताग्नि चिता पर सजाया गया और बुद्ध को अग्नि के हवाले कर दिया गया। बुद्ध का शरीर जब भस्म हुआ तो उसके बाद में जो उनकी अस्थियां बची, उनकी जो अस्थियां बची उन अस्थियों को एक कुंभ में, एक घड़े में रखा गया और रखने के बाद में उसे मल्लों के दरबार में लाया गया, क्योंकि वो मल्ल का एरिया था। कुशीनारा प्रशासन किसका था? कुशीनारा गणराज्य था ना, 10 गणराज्यों में हम क्या देखते हैं, कपिलवस्तु के शाक्य, के सोमसुमार पर्वत के भग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोली, फिर कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, यही 10 न थे, 10 गणराज्य। तो कुशीनारा में किनका शासन था? मल्लों का शासन था। अर्थात बुद्ध का पूरा दाह कर्म जो हो रहा था वो मल्लों की देखरेख में हो रहा था। अब उस अस्थि पर जब अस्थि आई उस कुंभ में भर के, उस घड़े में भर के, तो अस्थि को लेकर, बुद्ध को लेकर एक महासंग्राम की भूमिका बनने लगी। लोग दावा करने लगे कि बुद्ध मेरे थे। शाक्यों ने दावा किया कि बुद्ध मेरे थे, इन अस्थियों पर मेरा अधिकार है। वहीं रामग्राम के कोली, उन्होंने भी अपना दावा करना शुरू कर दिया कि अरे बुद्ध का रिलेशन हमसे था, क्योंकि वहीं से उनकी तमाम रिश्तेदारियां थी। उन्होंने दावा किया कि वो भी, अजातशत्रु ने दावा ठोकना शुरू कर दिया मगध से, कि जब अजातशत्रु पहुंचा, क्योंकि अजातशत्रु साम्राज्यवादी विचारधारा का पोषक था और उस युग का एक शक्ति संपन्न सम्राट था, वह वैशाली तक को उस समय तक फतेह कर चुका था। और जब वह पहुंचा, उस झगड़े में वह पहुंचा, तो उसने कहा कि बुद्ध ने मुझे धर्म में दीक्षित किया है, मैं उनका कुछ था तभी तो मुझे दीक्षित किया। और उसने जब अपनी तलवारें खींची तो सभी शांत हो गए और इस झगड़े, यह झगड़ा दिनों दिन बढ़ना शुरू हो गया। और इस झगड़े को बढ़ता हुआ एक बड़ा रक्तिरंजय का जब समूह बनने लगा तो वहां द्रोण नाम का एक ब्राह्मण आया। द्रोण नाम का ब्राह्मण आया और उसने बुद्ध के उपदेशों, बुद्ध के वचनों और बुद्ध के अहिंसावादी प्रवृत्ति को सामने रख कर लोगों से बातें करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि आप रक्त बहाएंगे, हिंसा करेंगे ऐसे व्यक्ति के अस्थ्यवशेषों के लिए कि जो जीवन भर अहिंसा का पाठ पढ़ाता रहा, अहिंसा की बात करता रहा, उसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं। लोगों की बात समझ में आई और इसी बात को लेकर अंततः एक मध्यस्थता के माध्यम से इस द्रोण ने अस्थियों के विभाजन का मामला बना दिया और बुद्ध की वो अस्थियां, जो शेष बची हुई अस्थियां थी, उसको 8 हिस्सेदारों में, 8 शेयरों में बांट दिया गया। वो 8 हिस्सेदार कौन थे, नोट करना हो तो कर लीजिएगा। शाक्य, मगध का अजातशत्रु, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, बेठ द्वीप के ब्राह्मण, बेठ द्वीप जिसका समीकरण आज हम बैठाते हैं तो बिहार के बेतिया से बैठाते हैं, बेठ द्वीप के ब्राह्मण, अलकप के बुली, रामग्राम के कोली और पिपली वन के मोरी, पिपली वन, इतने लोगों के बीच में बुद्ध के अस्थियों का विभाजन कर दिया गया। लेकिन वह ब्राह्मण, यह द्रोण नाम का ब्राह्मण,
जब इसने विभाजन कर दिया, मामला शांत हो गया और सब बड़े हर्षोल्लास के साथ गाजे बाजे के साथ बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लेकर अपने अपने नगरों को जाने लगे, क्योंकि उस पर उनको स्तूपों का निर्माण करवाना था। उन अस्थि अवशेषों को रखकर उन पर बड़े बड़े विशाल का स्तूपों का निर्माण होता, और वही आठ स्तूप, बड़े बड़े स्तूप, आठ बड़े स्तूपों का निर्माण किया गया, और इन्हीं आठों स्तूपों से उन्हीं बुद्ध के शरीरावशेषों को बाद में सम्राट अशोक ने निकाल लिया और उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करा दिया। ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो यहां उस समय द्रोण को जब द्रोण ने सभी को अस्थि अवशेषों का विभाजन किया, आठ हिस्सों में बुद्ध का विभाजन हुआ, तो एक बचा क्या? बचा था घट, घड़ा जिसमें वो अस्थियां रखी गई थी। तो अंत में द्रोण ने उसी घट को लेकर उसने भी एक कुंभ स्तूप का निर्माण कराया था। उस स्तूप को जहां पर उस अस्थि को, उस घड़े को उसने दबाया और उस पर भी एक स्तूप का निर्माण करवाया, तो वह क्या कहलाया? कुंभ स्तूप। तो ये बुद्ध से रिलेटेड, उनके जीवन से रिलेटेड, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु और मृत्यु के बाद जो एक हल्की सी पुट निकली थी, वो पूरी ऐतिहासिक जानकारियां हैं। ठीक इसके बाद में हमारे सामने बात आती है कि आखिर बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अब हम आते हैं बुद्ध की शिक्षाओं पर, कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो था क्या। तो बौद्ध धर्म में हमारे लिए अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन चीजों को भी जान लें कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो शिक्षा क्या थी, और वही आगे चलकर बौद्धिज्म की पूरी भूमिका बनाती है। इसे हम बुद्ध की शिक्षाएं या उपदेश भी कह सकते हैं, या बौद्ध धर्म के सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसमें पहला क्या था, बुद्ध को जो पहली बार जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या था? वो था चार आर्य सत्य। यह चार आर्य सत्य क्या था? यह चार आर्य सत्य था दुख। उन्होंने पहली बार क्या देखा था? एक, दो, तीन और चार, दुख। फिर दूसरा सत्य क्या था? कि दुख समुदय, या इसको हम कारण भी कह सकते हैं। फिर तीसरा सत्य क्या था? कि दुख निरोध भी था। और चौथा क्या था? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या था? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, मध्यम मार्ग। दुख क्या था? किसको उन्होंने दुख कहा? मृत्यु, रोग, इच्छा, इन सब के चलते क्या होता है, मतलब जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको, जो दुखी नहीं है। मिलना, बिछड़ जाना, जीवन को बहुत ही डीप में जाके बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी में जो कुछ भी देखा वो डीप में देखा, अर्थात संसार में उन्हें दुख ही दुख दिखाई दिया। फिर उस पर जब उन्होंने चिंतन किया तो उनको समझ में आया कि दुख तो है, तो दुख क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसकी विस्तृत व्याख्या आप देखेंगे तो वो प्रतिति समुत्पाद में कार्य कारण के सिद्धांत में दिखाई देती है। उसकी डीप की व्याख्या हमको उसके कार्य कारण सिद्धांत में दिखाई देती है। वहां
तो वहां हम क्या देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या बताया है कि दुखों का कारण है, लोग क्यों दुखी होते हैं, क्योंकि वो तृष्णा के वशीभूत है। तृष्णा अर्थात इच्छा, ये मिल जाए और नहीं मिला तो क्या होता है, दुख होता है। तो तृष्णा को उन्होंने दुखों का कारण माना। फिर उन्होंने जब अपने तीसरे आर्य सत्य पर जब चिंतन किया तो उन्हें लगा कि नहीं, इन दुखों से मुक्त होया जा सकता है, अर्थात तृष्णा को नियंत्रण में कर तृष्णा पर नियंत्रण करके दुखों को रोका जा सकता है। उनकी जो फिलॉसफी आई उसमें उन्होंने इस चीज को काफी जोर शोर से उस पर बल दिया कि उस हिसाब से तृष्णा को यदि हम नहीं चाहेंगे, हम इच्छा नहीं करेंगे, इस तरीके का अभ्यास करके जब अपने को साध ले, साधक भिक्षु साध ले, तो वह दुखों को रोक सकता है, दुख उससे थोड़ा दूर रहेंगे, उसके पास नहीं आएंगे। फिर इनको रोका कैसे जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा, और यही अष्टांगिक मार्ग है। क्या है? अष्टांगिक मार्ग, अर्थात उनके उपदेश का दूसरा अर्थ था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या था? अष्टांगिक मार्ग ब्राह्मण धर्म के साहित्य तैत्तरीय उपनिषद से पूरी तरीके से प्रभावित लगता है। किस ब्राह्मण साहित्य से प्रभावित है? वो तैत्तरीय उपनिषद से प्रभावित है। अष्टांगिक मार्ग को भी तीन हिस्सों में बांट दिया गया, प्रज्ञा, शील और समाधि। ये तीन दौर बनाए गए। इनमें प्रज्ञा को अंतिम सिरे पे, शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में माना जाता है, तभी उसकी सेटिंग होती है, अर्थात शील, समाधि और प्रज्ञा। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो आठ मार्ग उन्होंने निर्धारित किया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, दृष्टि संकल्प वाक, दृष्टि संकल्प वाक, कर्मांत आजीव व्यायाम और स्मृति और समाधि, यही अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, मतलब बोलने पर भी उन्होंने कहा कि नियंत्रण में रहकर बोलिए, सत्य बोलिए और अप्रिय मत बोलिए, ये सारी बातें उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग में दर्शाई है। और कर्मांत, कर्मांत आजीव व्यायाम और उसके बाद में स्मृति और समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग उन्होंने निर्धारित किए। ये बौद्ध दर्शन, समय ज्यादा हो रहा है ना, लोगों को जाना भी है, थोड़े में ही हम इसको खींचते हैं। हम सोच रहे थे कि आज बौद्ध संगीतियों के विषय में बातें हो जाए, बुद्ध के प्रतीकों के विषय में बात हो जाए, हम उसकी यात्रा वर्णन में ही बहुत ज्यादा समय ले लिए। हम चाहते थे कि बौद्धों का आज, ये आप कहिए हम नहीं कहेंगे। तो यहां पर अष्टांगिक मार्ग, मतलब चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और उसके बाद में कर्मवाद, कर्मवाद और साथ में उन्होंने पुनर्जन्म को भी माना। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में उन्होंने विश्वास किया, कर्म पर विश्वास किया और पुनर्जन्म पर भी विश्वास किया। इसके बाद में उन्होंने अनिश्वरवाद माना, ये तीसरा है। चौथा अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, वो आत्मा के विषय में विश्वास नहीं करते थे कि आत्मा भी है, जैसे जो सनातनी परंपरा में थी कि आत्मा यहां से जाने के बाद में वहां जाती है, वहां के बाद में वहां से वहां फिर ट्रांसफर होती है, इस तरीके की जो बातें आती है ना, वो ऐसा बौद्ध धर्म नहीं मानता है।
लेकिन पुनर्जन्म के विषय में बुद्ध ने माना है, कर्म और पुनर्जन्म में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, और वही अनात्मवादी भाव रहा उनका। वो ये नहीं मानते कि आत्मा का यहां से वहां ट्रांसफरेशन होता है, आना जाना होता है। ठीक, फिर उसके बाद में उनकी जो 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 उनका दर्शन रहा उसमें ईश्वर के विषय में जब कभी भी उनसे कोई बात पूछी गई, जब कभी उनसे प्रश्न किए गए, ईश्वर के संदर्भ में भी उनसे बहुत सारे प्रश्न किए गए, तो जब भी उनसे ईश्वर के विषय में प्रश्न किया गया तो ऐसे प्रश्नों को वो टाल गए, उनमें उन्होंने अपने अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया, वो उलझे नहीं, उनको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, टाल दिया उन्होंने, ईश्वर के विषय में उन्होंने एकदम कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। फिर उसके बाद में निर्वाण की बात भी उन्होंने की, उन्होंने निर्वाण की बात की। निर्वाण क्या माना उन्होंने, कि इसी जन्म में रहते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती थी, जबकि सनातनी परंपरा में वही निर्वाण जो मोक्ष के रूप में जाना गया वो यहां नहीं होना था, वो यहां से जाने के बाद मोक्ष होता है, ऐसी अवधारणा थी, परंतु बौद्धिज्म में ऐसी अवधारणा नहीं थी। उन्होंने माना कि यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति संभव है। फिर एक महत्वपूर्ण जो विचारधारा थी वो थी वेदों में अविश्वास और कर्मकांड का पुरजोर विरोध। दो बातें यहां जुड़ी थी कि वेदों में उन्होंने कोई विश्वास नहीं किया, वही सनातनी परंपरा वेदों को अपौरुषेय मानती रही, इतना योग्य है, इतना बड़ा है, इतना व्यापक महिमा मंडित उसका किया गया कि वो एक सामान्य व्यक्ति की चीज रचना नहीं हो सकती, वो अपौरुषेय उसको कहा गया, उसको उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। और कर्मकांड, उससे रिलेटेड जितने भी कर्मकांड थे उन सभी का बुद्ध ने पुरजोर विरोध किया। जहां कहीं बलि की बात आई बुद्ध ने उसको डट कर विरोध किया। तो ये उनके उपदेश और उनकी शिक्षाएं रही। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं पर बनते हैं कि अष्टांगिक मार्ग में समाधि के अंतर्गत क्या क्या आता है। समाधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्मृति और समाधि आती है। क्या आती है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस पर बहुत डिटेल में प्रश्न हमने देखे हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं वो इंसान राइटिंग के टाइम में मेंस के लिए प्रश्न इस पे बने हैं, और वो भी अनात्मवाद, निर्माण, बुद्ध का अनिश्वरवाद, इन पे प्रश्न बने हैं। बहुत डीप में घुस के द्वादश निदान पे चला जाएगा, प्रतीति समुत्पाद पे जाता है, इन सारे विषयों पे प्रश्न मेंस के लिए बने हुए हमने देखे हैं। ठीक, फिर इसके बाद में थोड़ा सा समय देंगे आप लोग, 15 मिनट लेंगे, बुद्ध को खत्म करेंगे। बौद्ध संगीतियां आप जान लीजिए। बौद्ध संगीतियां क्या है, बुद्ध के चष्ट जाने के बाद, जैसे ही बुद्ध का अंत हुआ तो बुद्ध के द्वारा जगह जगह दिए गए उपदेश जो भी रहे, ऐसा लगा कि अब बुद्ध नहीं रहे, तो चूंकि जब आनंद ने अंतिम समय में जब बुद्ध से पूछा, आनंद उनका निजी सचिव था, उनका निजी सहचर था, आनंद ने जब बुद्ध से पूछा कि शास्ता आपके न रहने के बाद में धम्म का संगायन कौन करेगा, धम्म का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि हे आनंद, मेरे बाद मेरे ये उपदेश ही तुम्हारे लिए शास्ता का काम करेंगे, अर्थात तुम्हारे लिए एक नियंत्रक का काम करेंगे, और इन्हीं के माध्यम से तुम अपने जीवन को अंतिम पड़ाव तक ले जाके निर्वाण को प्राप्त कर लेना। ऐसी बात बुद्ध ने स्वतः आनंद से कही। तो बुद्ध के न रहने के बाद में बुद्ध के जगह जगह दिए गए उपदेशों को संकलित करने के लिए, इकट्ठा एक जगह करके रख लेने के लिए बौद्ध संगीतियां की गई। तो पहली बौद्ध संगीतियों की बात हम करें, बौद्ध, इन पे प्रश्न बनते हैं, हाँ, कुछ कह रहा है कोई, पहली बौद्ध संगीत
उसका जब समय हम देखते हैं तो समय क्या है, 483 ईसा पूर्व बुद्ध के मरने के कुछ ही सप्ताह के बाद, चूंकि उसी टाइम बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध सभा, पहली बौद्ध संगीत, पहली 483 बीसी कहाँ होती है, राजगृह वैभार पर्वत की सप्तपर्णी गुफा में, ठीक। और शासक कौन है इस समय, अजात शत्रु। और इसकी मूल उपलब्धि क्या थी, इसकी मूल उपलब्धि क्या थी कि इसमें आनंद ने आनंद और उपाल दो शिष्यों ने, बुद्ध के दो शिष्यों ने, एक ने विनय पिटक और एक ने अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, एक ने विनय और एक ने सुत्त का संगायन किया, ठीक। अर्थात दो पिटक साहित्य, दो बड़े पाली पिटक साहित्य हमको कहां मिल गए, इस पहली ही बौद्ध संगीत में मिले थे। और इस संगीत की अध्यक्षता जो थी वो महाकश्यप ने की, अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने की, ठीक। ये पहली बौद्ध संगीत थी। फिर दूसरी बौद्ध संगीत ठीक इससे 100 वर्ष के बाद, ठीक 100 वर्ष के अंतराल के बाद 383 बीसी में कहां हुई, वैशाली में, वैशाली शासक कौन था, कालाशोक काकवर्ण के टाइम में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की, सर्वकामी क्षमा शर्मन ने की, किसने की थी, सर्वकामी ने। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहां कंफ्यूजन हो जाता है, यहां का वहां, वहां का यहां चला जाता है। इस बौद्ध संगीत की मूलभूत विशेषता क्या रही, मूलभूत विशेषता जो जो एक महत्वपूर्ण पाठ है कि यहां बौद्ध संघ में दरार उत्पन्न हो गई। दरार हो गई और यहां बौद्ध धर्म दो धड़ में फटा हुआ महसूस किया जाने लगा कि अब धर्म फट जाएगा, अब धर्म टूट जाएगा। और बौद्ध धर्म स्थविरवादी और महासांघिक दो धड़ों में बट गया। चूंकि कालाशोक काकवर्ण में उतनी ताकत नहीं थी कि वह सबको दबा ले जाता, इतनी उसमें क्षमता नहीं थी। तो यहां ये उसकी मूलभूत विशेषता रही कि धर्म जो था वो स्थविरवाद और महासांघिक के विषय में बंट गया, एक छोटी सी बात को लेकर, छाछ को लेकर, मंठा को लेकर एक छोटी सी बात को लेकर धर्म दो पार्ट में फटा, जैसे बट गया। फिर तीसरी बौद्ध संगीत हुई, तीसरी कब होती है, 251 बीसी में, बीसी कहां होती है, पाटलिपुत्र, शासक कौन है, अशोक, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, मोगली पुत्र तिस्य कर रहा था कि वसुमित्र कर रहा था कि महामोद गल्यायन कर रहा था, बताओ, हम ऑनलाइन बच्चों से भी पूछ लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की, विकल्प भी दे देते हैं, मोगली पुत्र तिस, अश्वघोष, वसुमित्र, और तीन में ही बता दीजिए, Thank you.
मुकेश कुमार ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकते हैं, आप आ सकते हैं, बिल्कुल आप आ सकते हैं। चंद्रेश मिश्रा का उत्तर मिला हमें ऑनलाइन से, सही है मिश्रा जी, मोगली पुत्र तिस ने की थी। फिर चौथी बौद्ध संगीत कब होती है? प्रथम सदी ईस्वी में, स्थान था कुंडलवन, शासक था कनिष्क, ये मोगली पुत्र तिस और इसके समय में अध्यक्षता कौन कर रहा था? वसुमित्र। लेकिन साथ में अश्वघोष भी यहां था, लेकिन यहीं पर उसने एक बड़ा ग्रंथ भी रचा था, ठीक। और इसी समय में 251 BC की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, जो तीसरी थर्ड अभिधम्म पिटक मिला था बौद्ध को, और उसके साथ ही वह विवाद जो यहां का था उसी तरीके से यहां भी एक रूपरेखा बन रही थी। लेकिन सम्राट अशोक के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो संघ के साथ इधर से उधर करता, और यहीं पर उसने संघ में कड़े कड़े नियम भी लगा दिए और उसने भिक्षुओं को कड़ी चेतावनी भी दी कि कोई संघ के शास्त्रा के नियमों से खिलवाड़ करेगा नहीं। ये बातें इस थर्ड बौद्ध सम्मेलन की थी। चौथे बौद्ध सम्मेलन में तो बहुत कुछ उभर कर सामने आ गया, वो झगड़ा जहां पर पूरी तरीके से आ गया, और पूरा संघ हीनयान और महायान के रूप में बट गया, ठीक। ये पाल को जो लेकर चिल्ला चोट कर रहे थे, इन्होंने संस्कृत को पकड़ लिया। अब संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा भी बौद्धों के जीवन में समा गई। तो ये बौद्ध संगीतियां रही, ठीक। बौद्ध संगीतियों में इस चौथी बौद्ध संगीत की सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि पूरा संघ दो हिस्सों में, दो फाट में फट गया, टूट गया। बुद्ध के वो वचन अब सार्थक हो रहे थे, वो भविष्यवाणी उनकी नजदीक आ रही थी। कौन सी? हाँ, वो नजदीक आने लगी। अब बौद्धों का भारत से पतन होना था, शुरू हो रहा था, क्योंकि मौर्यों के बाद में सुंगों के शासनकाल में फिर से ब्राह्मण धर्म स्थापित किया जाता। तो यहां हम अब आगे क्या देखना पसंद करेंगे, तो हमारे लिए बनता है हीनयान और महायान में मूलभूत अंतर क्या था, मूलभूत अंतर यहां क्या था, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। और ये सारे प्रश्न मैच डिसमैच के बनाएंगे या कंसेप्चुअल तरीके से प्रश्न बनाएंगे, या इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हीनयान और महायान को आप लोग जान लीजिएगा कि जो हीनयानी थे उसके विपरीत महायानी थे। हीनयानी बुद्ध के अक्षरशः बताए हुए बातों पर चलने वाले थे, वो उसमें आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन को आवश्यक मानते थे, ठीक। फिर एक महत्वपूर्ण और बात बनती है कि बुद्ध के कुछ प्रतीक चिन्हों को लेकर, बुद्ध के प्रतीक चिन्हों को भी लेकर उसके उस टाइम की हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे देखते हैं, उनकी मतलब कला और वास्तु पर जब देखते हैं, तो चाहे जातकों का शिल्पांकन किया गया है या बुद्ध के वास्तविक जीवन से जुड़ी किसी घटना का शिल्पांकन किया जा रहा है, तो वहां पर भी बुद्ध की उपस्थिति दर्शनीय की जाती है, बुद्ध को दर्शाया जाता है, ठीक। तो बुद्ध को दर्शाने के, बुद्ध के घटना प्रतीकों में क्या रहा है, जैसे उनका गर्भ क्या रहा, जन्म क्या रहा, इस तरीके की बातों को दर्शाया भी गया है। जैसे गर्भ, गर्भ, गर्भ को व्यक्त करने का क्या रहा है चिन्ह, क्या है? जाओ एक लोग अनिल को बुला लाओ जो बंद करता है। चलो ठीक है, आप लोग बहुत समय देते हैं, थोड़ा
हम कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, हमें भी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, जितना हमको नहीं जाना चाहिए, और इसी वजह से हम चीज़ों को अब जहाँ हमको समेट देना चाहिए तो हम आईसीयू थोड़ा सा इंटरनल प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से समय आप लोगों का ज़्यादा जाता भी है। हाँ नहीं, विनय में जो है, विनय में संघ के नियमों का उल्लेख है, विनय में संघ के नियमों का उल्लेख है कि संघ में भिक्षु कैसे रहेंगे, भिक्षुणियाँ कैसे रहेंगी। हाँ, और सुत्त पिटक जो है वो उसका इंसाइक्लोपीडिया है, समझ रहे हैं ना। तो ये त्रिपिटक है, त्रिपिटक पाली साहित्य है, जिसमें जिसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, ठीक। ये त्रिपिटक पाली साहित्य, इसके बाद भी पिटकेतर पाली साहित्य भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ?